Station? मर गया साला गुंडा। बिहुल क्या किया तुमने? अरे ये तो मर गया, तुमने इसका खून कर दिया। नहीं 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 दादू दादू, याद में उन्हीं गुंडों में से एक है जिसने कल छोटू पे हमला किया था। दादू इनसे हमारी तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही थी, हमारी वजह से इनका लाखों रुपए का नुकसान हो रहा था, इसलिए ये हम दोनों को यहाँ पे मारने आया था। दादू दादू जी, अगर शक्ति भैया गिरफ्तार हो गए तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, सारा बिजनेस चौपट हो जाएगा, मेरी मंगनी भी टूट जाएगी। इतना ही नहीं दद्दू, आज तक आपने हमारी खातिर जितनी मुसीबतें उठाई है, जितनी कुर्बानियां की है, उन सब में पानी फिर जाएगा दद्दू। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ दादू जी, अगर आप ये खून अपने सर ले लें तो। नहीं नहीं भैया नहीं, आप इन दोनों की बातों में हरगिज नहीं आना, ये दोनों आपको फंसा देंगे। चुप रहे दादू, आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम अपनी सारी दौलत लौटा देंगे, बड़े से बड़ा वकील करेंगे। दादू आपको बचाने के लिए हम लोग अपनी जान तक दे देंगे दादू। दादू जी अब भाभी और बाबूजी की चिंता बिल्कुल मत करना, हम उनकी देखभाल करेंगे। नहीं नहीं, आप इन दोनों की बातों में बिल्कुल नहीं आना, प्लीज आप इन दोनों की बातों में नहीं आना। दादू जी मेरी मंगनी टूट जाएगी, मेरा भविष्य खत्म हो जाएगा। दादू जी मेरा भविष्य खत्म, मैं मर जाऊंगा। दादू मुझे बचा लो, दादू मुझे बचा लो, मेरा भविष्य। दादू दादू पुलिस आ गई, दादू दादू कुछ तो कीजिए, दादू दादू मुझे बचा लीजिए, दादू दादू क्या हुआ, दादू पुलिस आ गई, दादू दादू जी। ये तूने क्या किया हैं? अरे उन शैतानों को बचाने के लिए तूने अपने आप को लाकर जेल के सलाखों के पीछे ठूंस दिया, ये क्या किया तूने? जानता है तुझे खून के बदले कुछ भी सजा हो सकती है। अरे तूने क्या किया रे पगले, ये क्या किया तूने? कुछ नहीं होगा बाबूजी, जिसके सर पर आप जैसे बाप का साया हो उसे क्या हो सकता है, कुछ दिनों की सजा होगी, कार कर आ जाऊंगा। अगर मेरे भाई को सजा हो जाती तो मैं उस देवी को क्या जवाब देता जिसकी वजह से हमारे खानदान की इज्जत बच गई। उस देवी की तुझे चिंता है और इस देवी की चिंता नहीं है, जैसे पवित्र अग्नि के सामने तूने अपनाया था, जिंदगी की खुशी देने का वादा किया था। अरे उन लोगों की परवाह है तुझे और उस बच्चे की परवाह नहीं है जो उसकी कोख में पल रहा है रे। बेटा, ऐसा कोई कानून नहीं है कि तेरे बदले मैं इन सलाखों के पीछे आ जाऊं। ये क्या कह रहे हो बाबूजी? ठीक कह रहा हूँ रे, तू जब अपने नालायक भाइयों के खून का इल्जाम अपने सर पे ले सकता है तो क्या ये बाप अपने कलेजे के टुकड़े के लिए इतना भी नहीं कर सकता? बाबूजी मैं कानून की दी हुई हर सजा हंस हंस के काट लूंगा, लेकिन अब आप जो सजा दे रहे हैं वो मैं नहीं काट पाऊंगा बाबूजी, नहीं काट पाऊंगा बाबूजी। अरे बेटा, मैं अपने तकदीर पे नाज कर रहा हूं कि भगवान ने मेरी झोली में ऐसी औलाद डाली है। भगवान हर दुखी मां बाप को तुझ जैसी औलाद दे। हां बेटा। अरे बहू, तू बहुत तकदीर वाली है, बहुत भाग्यशाली है कि तुझे ऐसा पति नसीब हुआ है। ये तो देवता है, इस कलयुग में ऐसा राम कहां नसीब होता है। तू सीता है तो क्या राम पाया है तूने? ये भारती, तू मां बनने वाली है और मैं बाप बनने वाला हूं।
तू मां बनने वाली है और ये शंकर बाप बनने वाला है। पार्वती पार्वती नहीं रोना मत। ए, अरे पगली ऐसे कुछ के मौके पर रोती नहीं, हंसना। देख देख मैं बाप बनने वाला हूं और तू मां, ये शंकर बाप बनने वाला है, हंसना। नहीं 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 रोते नहीं, रोते नहीं पार्वती। पार्वती पार्वती तो चुप क्यों है, बोलती क्यों नहीं, बोलना। क्या बोलो, तभी तुमने सोचा तुम्हारे पीछे मेरा क्या होगा, कैसे बिताऊंगे कहीं पर। ये सब भगवान की मर्जी है पार्वती, हम लोग क्या कर सकते हैं। धरती पर कष्ट तो राम और सीता को भी झेलने पड़े थे। सीता महल छोड़कर 14 साल बर्बाद काट सकती है, मगर मगर राम के बगैर नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। मैं समझता हूँ, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर। अदालत मुजरिम शंकर दयाल चौधरी के इकबाली जुर्म को मद्देनजर रखते हुए ताजरात हिंद दफा 307 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाती है। तेरी किस्मत बहुत ही अच्छी है कि बड़े भैया ने खून अपने सर ले लिया, वरना तू तो गया था कम से कम 14 साल के लिए। अरे सजा तो अब भी होगी, तू क्या सोचता है कि जुगंदर का खून होने के बाद वो डाबला भाई छोड़ देगा हमें। डाबला भाई उस साले को भी लंबी तीर्थ यात्रा पर भेज देता हूँ। तीर्थ यात्रा तीर्थ यात्रा। तू एक फोन लगा, 6143495। अरे ये तो कमिश्नर का नंबर है। कमिश्नर साहब एक जगह है समुद्र पैलेस और उसका मालिक है डाबला भाई, वहां आपको लाखों रुपए का स्मगलिंग का सोना मिल जाएगा। सोना मिलने के बाद हमें हमारा कमीशन दे दीजिएगा। यह तो वक्त आने पर आपको पता चल जाएगा, हम खुद ही अपना कमीशन लेने आ जाएंगे। थैंक यू। गया साला 10 साल के लिए अंदर। वाह छोटू वाह, क्या दिमाग है मेरे लाल का। सर पुलिस। क्या बात है इंस्पेक्टर, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। तुम्हारे होश तो ठिकाने पर है, जानते हो ये किसका घर है। ए, मिस्टर पांडे को फोन लगा। सर माफ कीजिएगा, उन्होंने ही हमें यहाँ तलाशी के लिए भेजा है। क्या कमिश्नर पांडे ने भेजा? जी हाँ, हमें खबर मिली है कि आपके यहाँ गैर कानूनी सोना है और ये रहा आपका सर्च वारंट। ठीक है चलो तलाशी लो। इंस्पेक्टर, अरे भाई खामखा वक्त जाया करने का कोई फायदा नहीं। देखो अब तुम डाबला भाई के घर आ ही गए हो तो तुम्हें प्रसाद मिल जाएगा। छोड़ो ये तलाशी वलाशी। सर इसमें सोना है। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर डाबला। मुझे अरेस्ट करके इंस्पेक्टर तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। मैंने तुम्हारी ये वर्दी ना तरवा दी ना, तो मेरा नाम भी डाबला भाई नहीं। चलो मेरे साथ।